वहीं गुजरात सीएम की रेस में एक नाम पुरुषोत्तम रूपाला भी है। आइए जानते हैं एक किसान, एक प्रिंसिपल और कैबिनेट मंत्री की पुरुषोत्तम रूपाला के अब तक के राजनीतिक सफर पर। पुरुषोत्तम रूपाला का जन्म 1 अक्टूबर 1954 को गुजरात में हुआ। गुजरात के अमरेली में जन्मे रूपाला 1976 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीएससी की। 1977 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीएड किया। बताया जाता है कि पुरुषोत्तम रूपाला जमीन से जुड़े इंसान हैं। वहीं किसान और राजनेता के अलावा वे प्रधानाचार्य भी रहे। रूपाला ने 1980 में बीजेपी के साथ राजनीति का सफर शुरू किया। 1991 में अमरेली विधानसभा से चुने गए। 2016 में वे राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल शुरू किया। 2016 में उन्होंने राज्यसभा का सांसद के तौर पर कार्यकाल संभाला। 2019 में वे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वहीं 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में वे पदभार संभाल रहे हैं। वहीं गुजरात के अगले सीएम के तौर पर सीआर पाटिल का नाम भी शामिल है। बता दें कि पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। आईटीआई सूरत से उन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग ली। राजनीति में आने से पहले वे कृषि में भी सक्रिय रहे। 1989 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बताया जाता है कि सीआर पाटिल बीजेपी के चहेते नेता हैं। पाटिल तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। मोदी के पसंदीदा नेताओं में से एक हैं सीआर पाटिल। वहीं पाटिल 2 बार 5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत चुके हैं। सीआर पाटिल गैर पाटीदार नेता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेता माने जाते हैं। वहीं सीआर पाटिल 2014 में नवसारी सीट से सांसद बने। मनसुख मंडाविया का बता दें कि गुजरात के भावनगर में मनसुख मंडाविया का 1972 में जन्म हुआ। युवावस्था में एबीवीपी की राज्य कार्यकारिणी समिति के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2002 में 28 साल की उम्र में वे सबसे कम उम्र के विधायक बने। कांग्रेस प्रत्याशी वेगास काशिन भाई को 2416 मतों के अंतर से उन्होंने हराया। इसके बाद 2012 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर समिति के सदस्य रहे। 2012 में मंडाविया राज्यसभा के लिए चुने गए। 2014 में राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड सिफर्स के सदस्य बने। 2014 में ही मंडाविया रसायन और उर्वरक पर समिति के सदस्य बने। इसके बाद 2019 में मोदी मंत्रालय में शिपिंग मंत्रालय के एमओएस रहे। बता दें मनसुख मंडाविया का नाम अभी गुजरात के सीएम के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। 2019 में वे रसायन उर्वरक मंत्रालय में एमओएस के रूप में शामिल हुए। वहीं 2021 में वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने। डॉक्टर हर्षवर्धन को जब हटाया गया तो ये जिम्मेदारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मनसुख मंडाविया को दी गई।